इस वीडियो में हम बात करेंगे 1990 की टूनीसियन फिल्म हल्फावीन बॉय ऑफ द टेरेसेस के बारे में, जो कहानी है नूरा नाम के एक 12 साल के लड़के की, जो टूनिस शहर के एक इलाके में रहता है और एक लड़के से मर्द बनने के उस सफर को जी रहा है जो उसकी उम्र के बच्चों को मजेदार भी लगता है और डरावना भी। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। नूरा एक 12 साल का लड़का है जो अपनी उम्र से छोटा दिखता है और इसीलिए वो अब भी अपनी माँ के साथ औरतों के हमाम यानी कि पब्लिक बाथ में जाया करता है। पर क्योंकि नूरा अब बच्चा नहीं रहा, उसकी सोच बदलने लगी है। वो जिन लड़कों के साथ घूमता फिरता है वो उम्र में उससे बड़े हैं और सड़क पर लड़कियों को छेड़ते हैं। इसलिए नूरा के पिता को नूरा का उनसे दोस्ती करना पसंद नहीं। फिर भी नूरा उन्हीं के साथ रहता है। जब भी उस गांव का शेख मुख्तार उसे रोकने की कोशिश करता है तो अपने दोस्तों के साथ वो टेरेस पर चला जाता है और वहां से वो छिपकर छत पर काम कर रही औरतों की बातें सुनता है। एक दिन यही करते हुए वो अपने दोस्तों के साथ बॉटल्स इकट्ठे करने लगा और तब उसके सामने एक शराबी आ गया। किसी तरह बॉटल्स लेकर वो तीनों शराब की दुकान पर गए और उन बॉटल्स को बेचकर उन्होंने कुछ पैसे कमाए, पर नूरा के दोस्त मोनसेफ और मुनीर ने उसे कोई पैसे नहीं दिए। उस दुकान के मालिक अली ने नूरा से एक डिलीवरी करने के लिए कहा और शराब लेकर नूरा सली नाम के एक आदमी के घर जाने लगा। गांव के लोग जानते थे कि नूरा सिर्फ सली के लिए काम करता है और किसी और की मदद नहीं करना चाहता। सली एक मोची है जिसे म्यूजिक और कहानियां पसंद है, और जैसे ही नूरा उसके घर आया तो सली ने बताया कि वो एक नाटक लिख रहा है जिसका नाम लाफ्टर इन द डार्क है। सली के नाटक के बारे में सुनकर और उसके दुकान में रखी मजेदार चीजें देखने के बाद नूरा उससे बातें करने लगा और कुछ देर बाद वहाँ वो औरत आई जो सली के लिए नाटक में एक्टिंग करने वाली है, और तब नूरा को बाहर रुकने के लिए कहकर सली उस औरत के साथ अंदर चला गया। और नादान नूरा ये नहीं जानता था कि सली कोई नाटक नहीं लिख रहा और वो औरत कोई एक्टर नहीं थी। उस रात मुख्तार और नूरा के पिता अजूज ने नूरा को लड़कियों को छेड़ने के लिए बुरी तरह पीटा, पर किसी तरह उन्हें रोककर नूरा की माँ उसे अपने साथ ले गई। वो उसे एक आदमखोर की कहानियाँ सुनाने लगी। उसने कहा कि एक आदमखोर कुंवारी लड़कियों का खून पीता है, और नूरा उन कहानियों की सोच में डूब गया। अगले ही दिन से अजूज ने नूरा को सुधारने के लिए उसे एक नाई की दुकान पर काम करवाना शुरू कर दिया, और काम करते हुए उसने टूनीसिया की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को देखा। उन लोगों की आवाज दबाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था और कोलंबो नाम का एक पुलिस वाला यूसुफ नाम के आदमी को ढूंढ रहा था। ये सारी बातें नूरा ने मुनीर को और अपनी माँ को बताई, जो ये सोचकर परेशान होने लगी कि देश में फिर से दंगे शुरू होने वाले हैं और इस देश के प्रेसिडेंट की तानाशाही शुरू हो चुकी है। एक दिन सली की दुकान पर मुख्तार ने नूरा को देखा, और क्योंकि सली शराब के नशे में रहता है उसे नूरा का वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा। पर सली चाहे खुद शराब पीता हो, वो नूरा को कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाने देता। कुछ वक्त बाद एक आदमी मोनसेफ को पीटते हुए सली के सामने ले आया, क्योंकि मोनसेफ ने उसके इलाके की लड़कियों से बात की थी। वो आदमी सली के साथ भी बदतमीजी करने लगा, पर सली के साथ दूसरे गांव वाले मौजूद थे और साथ ही उसकी तरफ अली भी था, जिसे देखकर वो आदमी डर गया। इस सब के बीच वहाँ लतीफा नाम की औरत आ गई, जिसे देखकर सली के साथ साथ हर मर्द का ध्यान झगड़े से हट गया। लतीफा नूरा की माँ जमीला की रिश्तेदार है और जमीला के लिए वो कई चीजें लाई थी, पर लतीफा और उसकी लाई चीजें दोनों ही अजूज को पसंद नहीं। एक तरफ जहाँ नूरा लतीफा के आसपास ही घूम रहा था, तो दूसरी तरफ अजूज का कहना था कि लतीफा जैसी तलाकशुदा औरत का इस घर में रहना ठीक नहीं। किसी तरह जमीला ने उसे समझा दिया कि लतीफा उनके काम में हाथ बटा सकती है, और अजूज ने जमीला की बात मान ली। अजूज खुद जितना नेक और अच्छा आदमी बनता है उतना अच्छा है नहीं, और ये बात नूरा जल्द ही समझ गया। अजूज को एक लड़की के साथ देखने के अलावा उसे उसकी दुकान में कुछ ऐसी मैगजीन्स भी मिली जो वो अपने साथ ले गया और अपने दोस्तों के साथ मैगजीन्स में छपी तस्वीरें देखने लगा। उस दिन मोनसेफ ने नूरा से कहा कि वो हमाम में औरतों को देखने जाए और उनके बारे में आकर उसे बताए। नूरा को पहले तो हमाम में जाना पसंद नहीं था, पर अब वो वहाँ जाने की जिद करने लगा, और हमाम की मालकिन के इनकार करने के बावजूद किसी तरह जमीला उसे अंदर ले जाने में कामयाब हुई, और वहाँ मौजूद औरतों को देखकर उनके बारे में उसने अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। एक दिन नूरा ने देखा कि अजूज की बहन अजीब बर्ताव कर रही है। वो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा घुस आई हो, और उसे ठीक करने के लिए अजूज ने मुख्तार को बुलाया। कुछ दिनों बाद मुख्तार फिर से उनके घर आया, पर इस बार वो अपने साथ लैला नाम की एक अनाथ लड़की को लाया था, और वो चाहता था कि नूरा का परिवार उसे गोद ले ले और उसे काम पर रखे,
उसका कहना था कि शायद किसी बुरी आत्मा की वजह से लैला के परिवार की मौत हुई है और इसलिए जमीला को उस आत्मा को भगाने के लिए लैला को घर का काम सिखाना होगा। एक तरफ जहां नूरा जमीला को लैला से घर का काम करवाते देख रहा था, तो दूसरी तरफ वो गांव के लोगों को गिरफ्तार होते हुए भी देख रहा था। पर फिर उसका ध्यान गांव वालों से हटकर गांव के कसाई पर गया, जो उससे लतीफा के बारे में पूछने लगा। और तब नूरा को अपनी माँ की बताई कहानी याद आई, जहाँ वो कसाई को आदमखोर की जगह और लतीफा को कुंवारी लड़की की जगह देख रहा था। तोहफा लेकर वो घर तो गया, पर उसने वो कचरे के डब्बे में फेंक दिया, क्योंकि उसे अब लतीफा की फिक्र थी। नूरा के घर में उसके छोटे भाई के खतने की तैयारी चल रही थी और इस बीच उसने लतीफा से उसकी च्युइंगम मांगी और उसे लेकर वो छत के रास्ते सली के घर जाने लगा। वो च्युइंगम लाने का काम सली ने उसे दिया था और लतीफा के कपड़े लाने का काम मुनीर ने। उन सब के अलावा अजूज भी लतीफा के करीब आने की कोशिश कर रहा था और ये बात नूरा को अच्छी नहीं लगी। जल्द ही नूरा के घर कुछ औरतें रहने आई और इस बीच उसे लतीफा के पास जाने का मौका मिला। जब नूरा ने उसे सली की चिट्ठी दी तो लतीफा ने कह दिया कि वो सली के करीब कभी नहीं जाएगी। नूरा घर में मौजूद औरतों के बीच बैठा था और उनकी बातें और हरकतें उसे अजीब लग रही थी। ठीक उस वक्त अजूज घर लौट कर आया और नूरा को अपने कमरे में ले जाकर उसे समझाने लगा कि एक आदमी को औरतों के साथ नहीं रहना चाहिए। और नूरा को घर से बाहर भेजकर अजूज खुद उन औरतों की बातें सुनने लगा। जब नूरा सली के पास गया और उसे लतीफा का जवाब बताया, तो निराश होकर सली ने नूरा को वहाँ से भगा दिया और उसे फिर से अपने घर जाना पड़ा। धीरे धीरे फंक्शन की तैयारियां शुरू हुई और इस बीच नूरा आदमखोर की कहानी को लेकर परेशान होने लगा। नूरा फिर से उन औरतों के साथ हमाम में जाने लगा और इस बार भी वहाँ की मालकिन उसे जमीला की वजह से अंदर जाने से रोक नहीं पाई। पर कुछ देर बाद हमाम में एक औरत ने नूरा को घटिया हरकत करते देख लिया और उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। रोते हुए नूरा छत पर चला गया और जब उसने फंक्शन की तैयारी देखी तो उसने अकेले किसी कमरे में छिपने का फैसला कर लिया। जमीला उसे ढूंढती रही पर नूरा उसे कहीं नहीं मिला। कुछ वक्त बाद जमीला ने लैला से कहा कि वो नूरा को ढूंढकर घर वापस ले आए। बहुत देर तक ढूंढने के बाद लैला को वो कहीं नहीं मिला और इस बीच मुनीर और मुनसैफ लैला को छेड़ने लगे। सली से जश्न के दौरान गाने के लिए कहा गया और गाने के जरिए वो लतीफा के लिए अपने प्यार का इजहार करने लगा। लतीफा, जो दूसरी औरतों के साथ किसी और कमरे में मौजूद थी, गाने के ही जरिए जवाब में ना कहने लगी और वो गाना सुनकर अजूज को लगने लगा कि लतीफा उसके प्यार को ठुकरा रही है। कई देर तक नूरा किसी को नहीं मिला, पर जैसे ही खतना पूरा हुआ वो लैला को एक कमरे में सोया हुआ मिला और लैला ने उसे नींद से नहीं जगाया। जब नूरा की आँख खुली तो उसने देखा कि सारे मेहमान जा चुके हैं और वो फिर से अपनी छत पर चला गया। और छत पर जाने के बाद उसने देखा कि लतीफा सली के पास गई है और सली को जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। और ये सोचकर कि लतीफा अब कुंवारी नहीं रही, नूरा को राहत मिली। उस रात घर लौटने पर नूरा ने लैला को देखा और तब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। एक तरफ लतीफा सली को शादी के लिए मनाने की कोशिश करने लगी तो दूसरी तरफ नूरा ये सोचने लगा था कि अब आदमखोर लैला को चोट पहुंचाएगा, क्योंकि गांव में अब सिर्फ वही कुंवारी बची है। एक दिन अली के शराब की दुकान को सील कर दिया गया, क्योंकि उसकी दुकान में आज़ादी की सोच रखने वाले आया करते हैं। सली को भी धमकी दी गई, क्योंकि वो खुद भी आज़ादी की चाह रखता है। और तब नूरा को समझ आया कि घर में रहकर औरतें जितनी आज़ाद हैं, उतने आज़ाद मर्द घर के बाहर भी नहीं, और कोई भी इस देश में अपनी आज़ाद सोच नहीं रख सकता। नूरा इस बात से भी निराश था कि उसे हमाम में आने की इजाज़त नहीं मिल रही थी और वो ये सोचने लगा कि वो अब किसी भी औरत को या लड़की को देख नहीं पाएगा। उस रात घर लौटने पर वो फिर से लैला के करीब जाने की कोशिश करने लगा, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। सली को अब शराब नहीं मिल रही थी और इसलिए उसने कफ सिरप पीना शुरू कर दिया और उसी कफ सिरप में वो अपनी खुशी ढूंढने लगा। उस रात नशे में जब वो घर लौट रहा था, तब उसने उनके देश के प्रेसिडेंट की तारीफ में लिखी बातें देखी और उसे बदलकर उसने लोकतंत्र की सोच के बारे में लिखा। सली को सही सलामत उसके घर पहुंचाकर नूरा अपने घर चला गया और फिर से लैला के करीब जाने की कोशिश करने लगा, पर फिर से लैला ने उसे अपने आप को छूने नहीं दिया। अगले दिन सली को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने प्रेसिडेंट के खिलाफ लिखा था। और जेल जाने से पहले उसने नूरा से कहा कि वो लतीफा को उसका इंतजार करने के लिए कहे। नूरा अब बच्चा नहीं रहा और अपने आसपास हो रही चीजों को समझने लगा था। वो हर वक्त सोचता रहता था कि एक बच्चा मर्द कब बनता है, पर अब उसे एहसास होने लगा कि मर्द बनने का सफर उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। वो अपने पिता के साथ हमाम नहीं जाना चाहता था और इसलिए उसे नहलाने का काम लैला को दिया गया।
उस वक्त भी नूरा अपने इरादों पर अड़ा रहा, पर उसे ऐसा करते हुए जमीला ने देख लिया और उसने लैला से कहा कि उसे अगले ही दिन काम से निकाल दिया जाएगा। वो लैला की उस घर में आखिरी रात थी और उस रात नूरा को वो मिल गया जो उसे चाहिए था। अगले दिन मुख्तार लैला को लेने आया और उसके काम के पैसे लेकर ये कहकर चला गया कि अब नूरा सच में बड़ा हो गया है। मुख्तार के मुंह से ये बात सुनकर अजूज नूरा को मारने की कोशिश करने लगा, पर अब नूरा बदल चुका था और साथ ही घर के दूसरे लोग भी बदल गए थे और अजूज परेशान हो गया क्योंकि वो लोग जो उससे डरते थे अब अपनी आज़ादी से जीना चाहते हैं और उसकी बात कोई भी नहीं मान रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।